لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء له تحیت و ثناۃ بعد قادر مطلق جل جلاله عم نواله عز و برهان و دی پاک بارگاہ دے اندر دعا و فریاد ہے حق تعالی جل مجده الکریم سونا بندہ نا چیز دے دل دماغ زبان و نگاہ ذہن و ہر طرح دی غلطی خطا تو محفوظ و ممنون فرماوے صدقہ مدنی تاجدار محبوب خدا و اشرف انبیاء بعثائے الہی مالک ہر دو سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی زلف عنبرین دا نالین پاک دی تقدس صدقہ کلمہ حق بولنے دی توفیق نصیب فرماوے اج دی ساڈی محفل شریف بسلسلہ عرس امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام اور پھر لازمی طور تے اس نو میلاد شریف دے نال بھی مناسبت ہے انشاءاللہ العزیز فقیر مجمع دی رعایت رکھدے ہویاں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے احوال پاک آپ دی زندگی شریف دیاں اچیاں تے عظیم چند ایک باتاں جناب اوراں دے گوش گزار کرے گا دعا کرو اللہ رب العالمین انہاں پاکاں دا صدقہ اپنے محبوب دے محبوباں دا صدقہ سانوی
अपनी मुहब्बत दे विचो हिस्सा नसीब फरमावे। दोस्तों जनाब एक गल से बखूबी मालूम है जिस तरह उस्ताद साहिब कबला हजरत साहिब कबला खुदा दाद सलाहियता अल्लाह ताला की तरफों खुसूसी मेहरबानी और इनायत के नाल बैरूनी हमले केड़े हमले बैरूनी हमले काफरां दी तरफों मुसलमानां दे उत्ते इन्हां दे ईमान अमल नूं बर्बाद कर देण वाले तबाह कर देण वाले हमले वैसे हमले एक है इंतहाई मोहलिक और ईमान लेवा दूसरा दुनिया आंदे तो बेखबर दुनिया बेखबर जिस तरह उन्हें फितनों के सामने सीना सपर हो इस्लाम का दिफा किया और अहले इस्लाम उन्हें फितनों तो आगाह करके ईमान इज्जत और गैरत की हिफाजत का बड़ा बड़ा फरीजा सर अंजाम दिता। इस तरीके ढेर सारे इनके अंदरूनी हमले अपने आप को अहले सुन्नत खवावन वाले गलत राह गलत रवश से जुड़ पे मुजद्दे दा काम ही होता है ना के जिहड़ियां गलत बातां गलत रस्मां गलत नजरियात गैरां दी तरफों इस्लाम मुसल के अहले सुन्नत दे अंदर दाखिल हो जान वो छज मार के छान पुन के जो सही नजरिया अकीदा है वह सुनिया के सामने अहले सुन्नत के सामने पेश कर चुके। तो दोस्तों पाका बुजुर्गों का जिक्र खैर करना रस्ती बराबर भी दिल च तंगी वाली गल नहीं अल्लाह ताला ने इन्हें अकीदा इतना अजीम नसीब फरमाया मगर अजीब बात है के फजाइल मनाकिब शान हजरत इमाम हसन पाक जिते हजरत इमाम हुसैन पाक के बयान हो रहे हैं उत्थे नालो नाल हजरत इमाम हसन पाक के बयान और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी खुसूसी मेहरबानी और इनायत के नाल हजरत इमाम हसन पाक को इमाम हुसैन पाक के उत्ते फजीलत और अजमत भी नसीब फरमाई खुफिया साजिश इस्लाम दुश्मन और बदबातिन लोगों ने गहरी चाल दे नाल ओ अहले सुन्नत जेड़े किसी छोटे दर्जे दे अल्लाह दे वली दा जिक्र भी नहीं छोड़दे उन्हां दे विचों इमाम हसन पाक वर्गी एडी अजीम जात और उची शख्सियत का जिक्र खत्म होने के करीब हो चुके इस हद तक अक्सर लोग इंजदे ने जिन्होंने आप दी तारीख शहादत ही मालूम याद रखो मैं जनाबर आगाह कर देना
मशहूर कौल के मुताबिक आप दी शहादत शरीफ हुई है पंज रबीउल अव्वल शरीफ को। तारीख आलिया ने लिखा है सन 49 या 50। लिखने वाले ने दो तारीख लिखी ने 49 हिजरी या 50 हिजरी आप दी शहादत। तो ये जी गलत रसम गलत तरीका लो सुन्नत अंदर दाखिल हो चुके जी बिदअत आप दे जिक्र खैर तो दूरी दी उस बिदात नु खत्म करन वास्ते एक ते है कि उन पाकां दे नाल अपनी अकीदत दा इजहार कीता जाए। को मदनी ताजदार ने फरमाया सी याद रख लो जेड़ा मैं मुहम्मद दे नाल प्यार करदा है उहदे वास्ते जरूरी है ओ हसन नाल भी प्यार करे हुसैन नाल भी प्यार करे। एक इस वास्ते और दूसरा इस गलत रवश को खत्म करने वास्ते असर रल मिल बैठे हैं। सौखियां सादियां आसान बातें जरियां वो मैं जनाबों के सामने पेश करांगा। कोशिश करांगा कि इस महफिल शरीफ में जिस तरह मुनासबत हजरत इमाम हसन पाक के नाल है उसी तरह बिलाल शरीफ की भी एक मुनासबत बन जाए और फिर सानू कुछ ना कुछ समझ भी आ जाए। पाकां दे किरदार दीआं गल्लां साडे दिल दिमाग दे अंदर कुछ ना कुछ बैठ तर्जमा करना फिर अगे जाके थोड़ा जा जोड़ जोड़ांगा जरा तवज्जो नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला मजदुल करीम फरमाउंदा है मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वली वसल्लम दी आमद दा जिक्र करदे होया हुजूर पाक सरकार दी आमद दे एहसान नु बयान करदे होया फरमाउंदा है वज़कुरु निअमतल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाउंदा है अपने नबी दे यारां नु फरमाया अल्लाह दी नियामत नु याद करो अल्लाह दी नियामत नु याद करो। इस नियामत तो मुराद मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम दी जात पाक है। मौला ताला फरमांदा है तुसा अल्लाह ताला दी नियामत जड़ी असा तुहाडे ते फरमाई है उनु याद करो ओ नियामत केड़ी है फरमाया इन कुंतुम अदा तुहाडियां आपस दे अंदर दुश्मनियां सन अदावतां सन आपस दे अंदर लड़ाइयां सन असा फअल्लफ बैना कुलूबकुम फअसबहतुम बिनिअमतिही इखवाना। असा ने नेमत मदनी ताजदार वर्गी नसीब फरमाई है मदनी ताजदार वर्गी नेमत जो आई है आप दे सदके रब्बुल आलमीन ने तुहाडे दिलां दीआं दूरियां दूर करके तुहाडे दिलां नूं एक फरमा छोड़िया है। तवज्जो है सजनो जरा ज़ौक नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। आओ सजनो हुन नबी अली सलातो सलाम दे नवासे जिन्हां नूं मेरा नबी अपना बेटा फरमाउंदा सी उन्हां दा जिक्र खैर करने आए। पाक हसन रज़ी अल्लाह तआला नु सदके जावां ये ओ शख्सियत है मेरा मदनी ताजदार जिन्हां दे खातर खुतबे भी छोड़ देंदा सी ये ओ जात है जिन्हां दी खातर मेरे नबी ने अपने सजदे भी लंबे कर छोड़े ने सजदे भी लंबे कर छोड़े ने। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला नु पहले आप दी थोड़ी जी सूरत शरीफ दा जिक्र करना आप नु रब्बुल आलमीन सूरत किवें दी नसीब फरमाई सी चेहरा शरीफ किवें दा नसीब फरमाया सी बयान करने वाले सहाबाए कराम बयान फरमाते ने असा वेखदे सा हसन व हुसैन रब्बुल आलमीन महबूबे खुदा दे नाल इंज दी मुनासिबत इंज दी मुशाबहत नसीब फरमाई सी सीने तो लैके सिर तक ए वजूद हजरत इमाम हसन पाक दा मदनी ताजदार दे नाल रलदा सी सीने तो थल्ले पैर
पैरां तक इधर वे हजरत इमाम हुसैन दा रल्ला सी। अगर दोवां नूं सामने खड़ा कर देवो मदनी ताजदार दी याद ताज़ा हो जांदी सी। तवज्जो है सजनो जरा ज़ौक नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। सजना जरा तवज्जो नाल मेरी गल नूं सुनिया जे, इंतहाई अदब और एहतराम दे नाल बैठो। पाका दा ज़िक्र करने आए नेक लोग चंगे दिल वाले लोग जदों पाका दा ज़िक्र सुनते ने ते पाकी दे नाल सुनते ने, दिल पाक करके दिमाग पाक करके अखां नूं पाक करके सुनते ने, फिर फायदा भी हासिल होंदा है, फिर सवाब भी हासिल होंदा है, फिर रब्बुल आलमीन जल्ला मजदूल करीम दी तरफों रहमतां भी उतरदियां उतरदियां ने। क्यों? जिहड़ा पाका दा ज़िक्र होंदा है वह गुनाहां दा कफारा बन जांदा है। बंदा गुनाहां तों तौबा करे गुनाह माफ होंदे ने। इवें रब दे प्यारिआं दा ज़िक्र करे रब गुनाहां तू माफी दे छोड़दा है। सजना इधर वेखना तवज्जो नाल मेरी गल नूं सुनिया जे, मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप दी अगर चेहरे पाक दी गल है, रब्बुल आलमीन ने कसम कुरान दे अंदर उठाई है, मिलाद दे नाल भी थोड़ा जिहा निस्बत जोड़ने है, अगर आप दे कदमा पाकां दी गल है ते रब्बुल आलमीन ने कसम उठाई है, जे चेहरे पाक दी गल आईए रब्बुल आलमीन फरमाउंदा है वद्दुहा والليل إذا سجى। सजना ये दरवेख तवज्जो, रब्बुल आलमीन जल्ला मजदूहुल करीम ने अपने महबूब दे चेहरे दी कसम उठाई है, अपने महबूब दियां जुल्फां दी कसम उठाई है। केड़े वेले उठाई सी? जिस वक्त काफरां ने ताने मारे, वही दा नुजूल बंद हो गया है। काफरां ने ताने मारे मुहम्मद दा खुदा ते मुहम्मद नूं छोड़ गया है, इधरों वही दा नुजूल नहीं हो रहा, इधरों खैरां दे ताने ने बर्दाश्त ना होया। मदनी ताजदार आप सरकार सियाने काबा दे अंदर आए ने, आपने अपना सिर काबातुल्ला शरीफ दी दीवार दे नाल अली जमीन उत्ते रखिया है। रोए ने, अखां विचों आंसू जारी होए ने, जिब्रील आए आखदा है लजपाला रो क्यों रहा है? रब फरमांदा है जे तेरे चेहरे दी कसम है, वो जदों तेरियां जुल्फां जुल्फां वांदिया होया आदियां जुल्फां चेहरे ते लाया ना है, तेरा चेहरा जुल्फां विच लुक जांदा है ते जुल्फां छा जांदियां ने। वल्लैली इदा सजा, सानू तेरियां छाईयां हुईयां जुल्फां दी कसम है। मा वद्दा का रब्बुका वमा कला, तेरा रब ना तेनू छड़न वाला है ना नाराज होने वाला है। वलल आखिरतु खैरुन लका मिन अलूला, सोनिया जिवें जिवें घड़ियां आदियां जानगियां असा तेरिया शाना वधांदे जावांगे, तेरिया इज्जतां बढ़ांदे जावांगे। तवज्जो है सजनो जरा ज़ौक नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। तवज्जो नाल मेरी गल नूं समझिया जे, सोनियो इधर वेख, जे कदमा पाकां दी गल आईए ते रब्बुल आलमीन फरमाउंदा है ला उक्सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। सोनिया असा उन्हां गलियां दी कसम उठाने हैं, उन्हां गलियां दी कसम उठाने हैं, व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, जिन्ना गलियां दे अंदर तू टुरना है, जिन्ना गलियां दे अंदर तेरे पैर लगदे ने, अगर चेहरे नूं मुनासबत हजरत इमाम हसन पाक दे चेहरे नूं मुनासबत मदनी ताजदार दे चेहरे दे नाल है, रब ओंदी भी कसम उठाइए हुसैन पाक दे कदमां नूं निस्बत मदनी ताजदार दे नाल है, रब्बुल आलमीन ने ओंदी भी कसम कुरान च उठा छोड़ी है। तवज्जो है सजनों जरा ज़ौक नाल बोलो ना सुभान अल्लाह।
मदनी ताजदार दे चेहरे शरीफ की गल करदे होया ये दरवेख मौला मुश्किल कुशा फरमाउंदे ने शुमाइल तिरमिजी शरीफ दे अंदर एक रिवायत लिखी हुई हजरत मौला मुश्किल कुशा दे कोल पुछया गया लजपाला हजूर दे चेहरे दे जरा खदो खाल बयान करो कान अली जुन्नी दा वसफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم بالطويل الممقط ولا بالقصير المتردد بل لم يكن بالقوم ولا كان جادا راجلا اپ فرماندے نے میں اخری لفظ ہی پڑھنا وا جنہ دے نال اصل مطلب اصل مقصد سمجھ چا جانا ہے من راہ بداحتا حابا ومن خالته معرفتا احبه फरमाया मदनी ताजदार नु रब ने इंज दा बनाया सी वो जेड़ा आप दे चेहरे वाल जदो पहली बारा निगाह पैंदी सी अजीब रब ने जोड़ जोड़िया सी जदो पहली बारा निगाह पैंदी है दिल दे उत्ते हैबत तारी हो जांदी है दिल उड़ उड़ के बाहर आंदा है इना इना हैबत तारी हो जांदी है पर वमन खालतहु मारिफतन अहबहू अगर आप दे कोल बह के गल्ला कर लैंदे है अगर आप दी सोहबत शरीफ च बह जांदा है ते फिर पहले ते दिल उड़ उड़ के बाहर आ रहा सी फिर अपना दिल हथी मुहम्मद दे नाम तू कुर्बान कर छोड़दा है तवज्जो है सजनों जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह सजना ये दरवेख और ए अल्लाह रब्बुल आलमीन महबूब खुदा दे नाल चेहरे दी मुनासबत हजरत इमाम हसन पाक दी रखी हुई सी आ हुन सुनावा आप दी आप नु रब्बुल आलमीन ने जड़ी अजमता ते शाना एक रिवायत ओ जड़ी मशहूर ओ पेश करना वा जिंदे नाल पता लगेगा कि इमाम हुसैन इमाम आली मकाम और इमाम हसन इमाम आली मकाम ही नहीं इमाम आला मकाम इत्थे मैं तुहानू तीन रिवायत पेश करना वा जरा ज़ौक नाल बोलो ना सुभान अल्लाह मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम आप दा एक मशहूर फरमान शरीफ है आका इनामदार मदनी ताजदार ने फरमाया इन अबनी हाला सय्यदुन लअल्लाह अन युस्लिहा बिही बैना फियातैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन हजूर ने फरमाया केरे वेले फरमाया हजरत इमाम हसन पाक मेरे नबी सरवर सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम आप दे पहलो दे अंदर बैठे हुए सन सहाबा फरमाते ने असा कई वारा वेख्या है असल आदि मुंह शरीफ दे नाल नबी दी जुबान चूस रहे होंदे सन ओ सजना जिन्ना दे लुआब नो दुनिया तरसदी है हसन मकाम मिलिया है ओ गाहे बगाहे अपने मदनी ताजदार नाने दी जुबान चूस लैंदा है ओ लब शरीफ जिन्हों रब्बुल आलमीन ने हौज़े कौसर नालों वधते बरकतां नसीब फरमा छोड़िया सर तवज्जो है सजनों जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह सजना इधर वेखना सहाबी फरमाते ने असा वेख्या है मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम आप दे कोल हजरत इमाम हसन बैठे हुए ने आप एक नजर नाल सहाबा वल वेखदे ने एक नजर नाल हजरत इमाम हसन वल वेखदे ने एक नजर नाल केड़ी नजर मेरा नबी मुहब्बत नाल पैपांदा है वो जड़ी नजर उठ जावे तकदीरा बदल छोड़ दिए जड़ी नजर उठ जावे डुबिया सूरज वापस आ जाता है जड़ी नजर उठ जावे वो सजना चन दा कलेजा पाश पाश हो जाता है साडा आला हजरत बोलिया सुनावा जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह
फरमाया सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चांद, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चांद, अरे अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तवज्जो है सजनों, जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। सजना ये दरवेख मेरा मदनी ताजदार अपने नवासे वल वेखदे ने, एक नजर नाल सहाबा इकराम वल वेखदे ने, एक नजर नाल अपने नवासे हजरत इमाम हसन वल वेखदे ने। सहाबा इकराम ने ताजुब किया है क्या निगाह दी मुहम्मद दा कमाल है कि हजूर हजूर एक नजर नाल सारे वल वेखदे ने, एक नजर नाल कले हसन वल वेखदे ने। हजूर ने जरा जुमला अपने मुंह शरीफ विचू कढ़िया है सुनिया जे, आपने फरमाया इन अबनी हादा सैयदुल मैं इन्हें प्यार नाल ता वेख रहा, ये मेरा पुत्र आम नहीं है, ये ते मेरा पागी पुत्र है, ए मैं आदे 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 मफहूम दे नाल तर्जमा पे करना वा, इन अबनी हादा सैयदुल ए मेरा जरा बेटा है ए सरदार है सरदार है, जिवें खानदाना दे अंदर वडेरे होंदे ने खानदाना दा वड्डा कोई होंदा है, सारे खानदान दे लोग वड्डा बना छड़दे ने, साडे खानदान दा फला बंदा वड्डा है, सदके जावा हसन पाक का तेरी शान तो जरा जग दे अंदर वड्डा खानदान है अहले बैत दा, मेरे मदनी ताजदार ने तेनू वड्डे खानदान दा भी वड्डा बना छोड़िया है। तवज्जो है सजना जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। ओ सजना ये दरवेख हसन नूं रब ने किन्नी शान नसीब फरमाईए कि जग दा जिहड़ा वड्डा खानदान है रब्बुल आलमीन दे हबीब ने मदनी ताजदार ने आदे वड्डे खानदान दा वड्डा हसन नूं बना छड़िया है, फरमाया ए साडे खानदान दा वडेरा है ए मेरा बेटा सरदार है। वो सदके जावा ए दरवेख वे जदों वडेरे बनदे ने वड्डियां उमरां दे नाल वड्डी उमर आले नूं वडेरा बनाया जांदा है, वो सदके जावा हसन पाक का तेरी शान किन्नी है, हाले तक 5-6 साल दा है रब्बुल आलमीन दे हबीब ने आदे खानदान दा वडेरा बना छोड़िया है। तवज्जो है अगे मेरे नबी ने फरमाया वजह क्या है मैनू वड्डा क्यों बनाया है, लअल्लाह अन युस्लिहा बिही बैना फियातैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, फरमाया जो मुसलमाना दे दो लश्करां दे अंदर इन्हियां लड़ाइयां होन गियां खून दियां नदियां वग जान गियां, ऐ मेरा बेटा सरदार है ऐ मेरा बेटा राठ है ऐ मेरा बेटा मेरा पागी पुत्र है, यादी खिलाफत दी आदि बादशाह दी कुर्बानी दे के ए उम्मत नू लड़ाइयां तू खून रेदियां तू बचा लवेगा। वो सजना आपस दियां लड़ाइयां मुकल मदनी ताजदार दी वजह दे नाल रब जिक्र कुरान च फरमांदा है,
आपस दियां लड़ाइयां मुकर हजरत हसन पाक दी वजह दे नाल बयान मेरा मदनी ताजदार अपने फरमान च फरमा छोड़दा है। हुण पिछली आयत दा कुछ ना कुछ जोड़ जुड़िया है कि मैं वो आयत शरीफ क्यों पढ़ी सी तो जो है सजनों जरा ज़ौक नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। सजना मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुसा जानदे हो केड़ी लड़ाई खत्म होनी सी केड़ी लड़ाई दे इख्तिताम अल्ले मेरे नबी ने इशारा फरमाया सी जड़ियां लड़ाइयां हजरत मौला मुश्किल कुशा और अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु दे दरमियान हुईयां सन हजरत अली पाक दा विसाल शहादत हुई है जो खिलाफत हजरत इमाम हसन दे कोल आई है आपने फरमाया मैं खिलाफत ते हुकूमत दे सकना वा पर मुसलमाना नु आपस दे अंदर लड़दियां नहीं वेख सकदा मेरा नबी 40 साल पहला वेख रहा सी गैब दा नबी जिन्हों गैब दे खजाने रब ने दिते सन फरमाया वाह ऐ ते सरदारी है हर शै पै दिंदा है पर उम्मत नु लड़ाइयां तो बचा रहा है पता लग्या सरदारा दा कम लड़ाइयां पवाना नहीं होंदा लड़िया होया नु सुलह करा देना होंदा है। तवज्जो है सजनों जरा ज़ौक नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ ये जड़ी रिवायत है इनू तफसील दे नाल तुसा सुन ही चुके हो और अगली एक होर मैं रिवायत सुनाना पहली गल होई है आप वड्डे क्यों ने क्यों बरादरी दा वडेरा मेरा मदनी ताजदार इमाम हसन नो बना गया है आ इमाम हसन हुसैन कुल पूछने आए हसन तेरा भिरा है तेरा की ख्याल है अपने भिरा दे बारे हुन जरा हवाला देन लग्या वा पहला मैं जड़ी रिवायत पढ़ी सुनिया दी किताब बुखारी शरीफ चो पढ़ी है हुन मैं जड़ी रिवायत पढ़न लग्या वा ए सोनियो मेरे हाथ दे अंदर शिया दी किताब रिजाले कशी उन्दे विच पढ़न लग्या वा तवज्जो होवे ते जरा ज़ौक नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। सजना इधर वेख रिवायत पढ़ना जरा तवज्जो नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। जो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला आप दे नाल सुलह दा वेला आया सुलह होन लगी है हजरत अमीर मुआविया ने क्या है ए हसन पाक लजपाला तुसा बैत मेरी फरमाओगे पिछू जड़े जनाब उन्हां दे लश्करी ने नाल मनन वाले ने वो मेरी बैत कर लवनगे। हजरत इमाम हसन उन्होंने हजरत अमीर मुआविया ने आख्या फकाल या हसन कुम फबाया सोने उठो बैत फरमावो फकाम फबाया आप सरकार उठे ने आपने बैत फरमा ली है। ثم قال للحسين حضرت امیر معاویہ نے حسین کو کہا ہے قم فبايع تو سامنے اٹھو تے بیعت کرو فقام فبايع او بھی اٹھے نے انہاں بھی بیعت کر لئی ہے ثم قال اپ دے نال حضرت قیس بن سعد بن عبادہ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ اے سعد بن عبادہ میرے نبی دا صحابی ہے انہاں دے اگے بیٹھے نے سونیا او سعد بن बादा वजदो भी इन्होंने घर के अंदर गोश्त पकाना होता सी मिख लिया के मेरे नबी नू पेश कर दे सन लज पालो तनावल फरमावो मैं तुहाडे वास्ते लेके आया वा इना खुसूसी मेरे नबी नाल प्यार करन वाले आ 40 उठ एक बारा जिबा कीते 40 उठा दे हड्डियां दा जिन्ना मिख सी इकट्ठा कीता है हजूर दी बारगाह विच पेश कीता है अर्द कीती अल्लाह जपाला गोश्त मेरे यार खावनगे ये हड्डियां दी मिख मेरा यार महबूबे खुदा खावेगा रब दा हबीब खावेगा इंज प्यार करने वाले सन उन्हां दा बेटा हजरत कैस
ये भी नाल ने, ये भी नाल ने। हजरत अमीर मुआविया ने आख्या है या कैस फबाया तुसा भी बैत करो फलता फता इलाल हुसैन ओना हुसैन वल वेख्या है यनजुरु मा यामुरुहु वेख्या है भी की करा बैत करा या ना करा। हजरत इमाम हुसैन ने जदों वेख्या हजरत कैस मेरे वल पवेखदे ने मेरे वल पवेखदे ने मेरे को राय मालूम कर रहे ने कि बैत करा या ना करा। फरमाया फकाल या कैसो इन्नहु इमामी जल्दी नाल बैत कर ले देर ना कर क्योंकि अमीर मुआविया दी बैत मैं जल्दी नाल ता कीती है क्योंकि इंदी बैत मेरे इमाम मेरे इमाम मेरे भिरा हसन ने फरमा ली है। तो जो है जरा जाओ कुरान बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत कैस ने जो देखा ना हजरत कैस ने हजरत इमामी अली मुकाम वाल भी तुम्हारा की इरादा हूं मैं बैत करा या ना करा कि तुम मैं जिवे इशारा करोगे मैं उवे करांगा। हजरत इमाम हुसैन ने देखा कि ये तो शशो पंज का शिकार होए खड़े ने आपने फरमाया जल्दी कर बैत कर क्यों हजरत अमीर मुआविया दी बैत मेरे भिरा हसन ने की थी कि मैं अपने भिरा हसन को भिरा ही नहीं समझना बल्कि अपना इमाम समझना हजरत इमाम आली मकाम अपना इमाम समझन के ओ आला मकाम नहीं होवेगा तो होर की होवेगा यारो कोना असा ता करके हजरत इमाम आली मुकाम नु आली मुकाम आखने आ और हजरत इमाम हसन नु इमाम आला मकाम आखने आ ता दुनिया हजरत इमाम हुसैन नु इमाम मने आए और इमाम हुसैन ने हजरत इमाम हसन नु इमाम मने ये तो भरावां दी मोहब्बत और प्यार दा भी अंदाजा लगा छोटे वास्ते वड्डे भिरा नु इमाम मनना ओंदे अगे सिर सट देना जो तेरा फैसला होएगा मैनु कबूल बड़ा मुश्किल काम होता है। सोनिया आखिरकार हुसैन भी जानता सी मेरा भिरा कोई आम नहीं है मेरा भिरा तो वो है वो जिसनु खानदान दा वडेरा मदीने दा ताजदार बना मेरी गल समझ आई है कि नहीं आई। देखो ना छोटे वास्ते वड्डे भिरा दे अगे सिर सट देना जिवे तू फैसला करेगा मैनू कबूल है बहुत मुश्किल काम है। और आप इस तरह क्यों कर रहे हैं इस वास्ते कर रहे हैं जिस वक्त हजरत इमाम हसन नु खानदान दा वडेरा मदीने दे ताजदार ने बना दिता फिर मैं वडेरा ना मन्ना ते होर की करूं समझ आई है कि कोई ना आई जरा ज़ौक नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। और तीजी गल जिंदे नाल पता लगेगा मदनी ताजदार ने भी खानदान दा वडेरा मनया है वडेरा बनाया है और इमाम हुसैन पाक ने भी हजरत इमाम हसन नु अपने खानदान दा वडेरा ते आला मकाम मनया। वो मशहूर रिवायत है मैं जनाब रंद साहब ने पहला भी पेश की थी कि इमाम हसन और हुसैन की किसी गल की वजह आपस के अंदर चपकलश हो गई इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने आप सरकार आए ने हजरत इमाम हसन के दरवाजे पे दरवाजा खड़काया आप दो गुलाम बाहर आए कहने लगे मैंने तेरे नाल काम नहीं मैंने आदे वीर हजरत इमाम हसन नाल उन्होंने बुलाओ जिस वक्त हजरत इमाम हसन पाक दरवाजे पे पहुंचे ना इमाम हुसैन पाक ने दौड़ ला दी आगे वड़े लोग से ना जल्दी नाल फैसला करना ले नहीं चटपट फैसला करना ना आ भी पीछे दौड़ पे भी एक बार जाके पूरी गल करने भी ये कितनी ककार है बूवे ते आए जे दरवाजा खड़काया है अपना बोल चाल खत्म होया हुआ है ये तो मजाक करने दी गल भी आए जे जिस वक्त मैं बाहर निकल के आया वहां तुसे दौड़ ला दी ये कितो घर तक पहुंचे इमाम हसन रजी अल्लाह तआला ने आपने फरमाया वीरा गल है एक अगे अपनी थोड़ी जी जेनी दूरी सी एवं चपकलश हो गई एक तुसें ए जरा मामला किया मेरी समझ च नहीं आया बूवे ते आए जे मैनू बुलाया है जो मैं उठ के बाहर आया तो तुसें दौड़ ला दौड़ ला कह लगे जी गल ही है
मैं जनाब उन्हां दे बूहे ते तां आया सी यकदम मेरे नज़ीन दे अंदर नाना जान दा फरमान आया अक्का नामदार मदनी ताजदार ने फरमाया सी के दो मुसलमान भरा लड़ पे त्राए दिन गुजरे जान उन्हां दी लड़ाई नूं उन्हां दे ईमान दे जाए होण दा खतरा है उस खतरे दे पेशे नजर मैं जनाब उन्हां दे बूहे ते आया दरवाजा खड़काया जनाब उन्हें बुलाया मजाक नहीं सी कीता बिल्कुल दिलों बुलाया सी पर यकदम मैनू मदनी ताजदार दा दूसरा फरमान आका इनामदार दा नाना जान दा दूसरा फरमान याद आया हजूर ने फरमाया सी सुलह करन दे अंदर हमेशा वड्डा ही पहल करदा है वो जरा सुलह करन अंदर पहल करन वाला होएगा वो वड्डा होएगा आका मेरा भरा वड्डा है उम्र दे अंदर भी वड्डा है शान दे अंदर भी वड्डा है लिहाजा सुलह दे अंदर पहल मेरे भरा नु ही करनी चाहिदी तवज्जो नहीं फरमाई ने जरा ज़ोर से बोलो ना सुभान अल्लाह सजना इधर देख तवज्जो इन्हनु मौला मुश्किल कुशा हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला आप रु तरजीह दे दे थन आप दी गल्लां नु की नाज़मत दी निगाह नाल देखदे थन एक रिवायत पेश करना मदर दा उखरन बोलो ना सुभान अल्लाह सजना हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला नु आप बैठे हुए ने मौला मुश्किल कुशा दे कोल बेटे बाप दियां आपस दियां गल्लां हो रहियां ने गल्लां करदियां करदियां हजरत इमाम हसन ने पुछया है लजपाल अब्बा जी तुसा मेरे नाल प्यार करदे जे आपने फरमाया पुत्रा किवें दी गल पे करना है तू मेरा बेटा है मैं तेरे नाल प्यार नहीं करांगा ते और किदे नाल करांगा बड़ा ही प्यार है तेरे बारे मेरे दिल दे अंदर थोड़ी देर तो बाद फिर पुछया है अब्बा जी क्या रब नाल भी प्यार है आपने फरमाया हां बेटा रब नाल बड़ा प्यार कर रहा वा अर्ज की थी अब्बा जी मैनु समझ नहीं आउंदी मैनु समझ नहीं आउंदी बाप ना या ए लफ्ज ना अब्बा जी मैं एक सवाल करना वा एक किवें हो सकदा है रब दा भी प्यार होवे मेरा भी प्यार होवे दोवें प्यार किवें जमा हो सकदे ने अली पाक ने सुनया खामोश हो गए कि मेरा बेटा बड़ी वड्डी गल कर गया है हजरत इमाम हसन ने फौरन सवाल कीता अब्बा जी एक पासे रब दा हुक्म आ जावे एक पासे मैं होवा मैनू कुर्बान करोगे या रब दे हुक्म नू कुर्बान करोगे हजरत मौला अली ने फरमाया बेटा मैं तेनू कुर्बान करांगा रब दे हुक्म नू कुर्बान नहीं करांगा हजरत इमाम हसन ने रो के आख्या अब्बा जी मेरे नाल शफकत है प्यार ते रब दे नाल के मैनू ते कुर्बान करना गवारा कर दियो पर रब दा हुक्म कुरान करना गवारा नहीं कर दे इमामे मौला मुश्किल कुशा ने जो सुनिया उठ के मत्था चुमया फरमाया मन गया है मदनी ताजदार ने तेरे खानदान दा वडेरा एवें नहीं बनाया एडी वड्डी सोच दी वजह नाल वडेरा बना छोड़िया है दिल भी आखेगा वाह लजपाला तेरी नजर किड्डा लम्मा वेखदी है तू हसन नूं एवें वड्डा नहीं बनाया खानदान दा डाउन दे वड्डे किरदार दी वजह नाल बना छोड़िया
सजना ये दरवेखना तवज्जो जो जो आप सैयदा जहरा जहरा सलाम अल्लाह तआला अलैहा अपनी अम्मा पाक दे कोल बैठे होए सन अम्मा पाक ने फरमाया बेटा जी उम्र होवेगी 5 या 6 साल बेटा जी मैं जिदो रोटी खानी हां मैं तनु कई बार बुलाया मेरा बेटा मेरे नाल रल के रोटी खावे ते तू मेरे नाल रल के रोटी क्यों नहीं खाना है मैं कई बार बुलाया है कि मेरा बेटा मेरा लाल मेरे नाल रोटी खावे मैं तनु कोल बिठानिया क्यों जिदो तेरा चेहरा वेखनिया मेनू बाप मदनी ताजदार दा चेहरा याद आ जांदा है मैं कोल बिठानिया तुसा मेरे कोल बह के रोटी खाओ मेरे नाल बह के रोटी खाओ तुसा मेरे नाल बह के रोटी नहीं खांदे की वजह है मेरे नाल बह के मेरा बेटा रोटी क्यों नहीं खांदा आपने जरा जवाब दिता हैरान होवोगे दिल मनेगा लजपाल ने सही चुनाव कीता है हसन नु वड्डा खानदान दा एवें नहीं बनाया इन्ना गल्ला दी वजह नाल बनाया अर्ज की लजपाल अम्मा जी मैं जनाब राना रोटी ता नहीं रल के खाना मैनू डर लगता है कि जनाब बुरा दी नजर सालन दे एक हिस्से ते पै जावे मिसाल दे तौर ते गोशत दा सालन है एक बोटी ते निगाह पै गई तुसा इरादा कीता उठावन दा मैं तुहाडे नाल खा रहा हां मैनू की पता भी तुहाडे दिल दे अंदर किस बोटी दे बारे या सालन दे किस हिस्से दे बारे ख्याल आया कि इनू बुरकी नाल उठाना है मैं पहल करके सालन दा ओ हिस्सा उठा लवा सालन दा ओ हिस्सा उठा लवा जिंदा जिंदा जी मेरी मां पाक नु कीता सी मैं अगे वध के ओ हिस्सा खा लवा मैनू एक वारा नहीं एडा अदब वाला है एडा अदब वाला है मां पाक नु अर्ज करदा अम्मा मैं तेरी मर्जी दे सामने रुकावट बनना गवारा नहीं करदा ता जनाब बुरा दे नाल बैठ के खाना नहीं खांदा मेरी गल समझना भी खाना जिस वक्त खावांगा खाना खावांगा उस वक्त की होना है कि तुहाडी नजर पै गई सालन दा फलाना हिस्सा उत्थे बुरकी रखनी बोटी ओनू उठाना है जां सालन दा फलाना हिस्सा ओनू खाना है ज़हन बन गया सब बुरकी उठाई रखन लगे हो मैनू की पता कि जनाब रा दा ज़हन फलाने हिस्से नू खान ते बनया होया है मैं जल्दी नाल बुरकी अगे वधा के तो हिस्सा खा पवा हिस्सा ओ खा पवा ए अम्मा सैन दी बियत भी हो जावे कि मां पाक दा जी करदा सी ते मैं अपनी अम्मा पाक दे जी दे अगे रुकावट बन जावा मैनू नहीं गवारा तां इधर लिखना तवज्जो तां सारे उलमा इमाम गजाली वर्गिया ने फरमाया है कि बच्चे नु सब नाल पहला ते कलमा शरीफ याद कराना चाहिए याद करान दे अंदर सब नाल पहलो कलमा शरीफ है सिखान दे अंदर सब नाल पहला रोटी खान दा वल सिखाना चाहिए रोटी खान दा सुन्नत तरीके दे मुताबिक रोटी जो खानी है बच्चे नु तरीका कार सिखाया जावे ताकि पता लगे जानवरा दा खाना होर हुंदा है इंसाना दा खाना होर समझ आई है कि कोई ना इत्थे ते खाना आवे ते बोल के भी बिस्मिल्लाह शरीफ याद ना अल्लाह ताला कुरान मजीद दे अंदर फरमांदा है खा लबनन खालिसन सायगल लिशारबीन वन सवनिया तेरे वास्ते चीजा बनाईया दूध फलाए फल जायके नाल खुशबू नाल भरया है खा मगर कदे बनाने वाले नु भी याद कर किवें तेरे वास्ते उन्हें रस भरया है किवें तेरे तेरे वास्ते उन्हें जायका भर छड़या है किवें तेरे वास्ते विच खुशबू भर छड़या है सुन्नत तरीके दे मुताबिक बाल नु खान दा वल सिखाया जाए ताकि उन्हें पता लगे असा इस दुनिया दे अंदर खान वास्ते नहीं आए साडा मकसद खाना नहीं बल्कि खा के मौला दी याद करना ते दीन पाक दी खिदमत करना खैर आप दी शहादत पाक ते ओ आखरी गल करके गल मुकाना तवज्जो होवे ते जरा ज़ोर नाल बोलो ना सुभान अल्लाह
मदीने शरीफ उन्हें वुजू किया ना वुजू के अंदर नक्स से नुकसान वुजू सही तरीके कर ना सके हुण दोवें वीर खड़े हुए सन छोटे छोटे बच्चे ने पर वेखो अल्लाह ताला ने समझ के असी आला ते कितनी अजीम नसीब फरमाई वड्या दा अदब ते लिहाज ते तमीज किन्ना है ओ समझदारी कितनी है हुण दोवें भरा आपस ते सोचन लग पए कि इस नु वजू दा वाल भी दसना है क्योंकि अगर इस आला नमाज शरीफ पढ़ेगा ते फिर ते हो सके सारी बात है फिर तो नमाज होनी ही नहीं ते अगर आखने तेरा वजू होया ही नहीं बुजुर्ग वड्डी उम्र दे किते गुस्से च ना आ जावे इनकार ही ना कर बैठे भी छोटे बाल हो के मेनू पे समझा दे रे हो सकदा इनकार ही ना कर बैठे उन दोवां वीरां ने अगे वध के ना क्या बाबा जी असीं दोवें भरावां ते हजरत इमाम हसन पाक ने फरमाया ए मेरा छोटा वीर है मैं वड्डा वां ते साडा आपस दे अंदर झगड़ा है मैं आखरा वां कि मेरा वजू सोना है मैं सही वजू करना वां ए बच्चा ए मेरा छोटा वीर आखदा है नहीं मैं सोना वजू करना वां बस मैं सही वजू करने है तुहाडे सामने तुसा साडा वजू वेख के मुड़ फैसला करना है साडे दोवां भरावां विचों ज्यादा सोना वजू किने कीता है जिस वक्त दोवां भरावां ने पूरी तसल्ली नाल वजू कीता ना एक बार ही नहीं दोवां भरावां ने दो बार वजू करके पूरी मश्की करा छोड़ी है वो अरबी सी भावे पिंड दा रहण वाला सी पर दिमाग ते रब्बुल आलमीन ने उन्हें भी समझदारी नसीब फरमाई सी उन्हें दोवां शहजादियां दा मत्था चुम के आख्या सोनियो ना तुहाडा वजू ना किसे ना तुहाडा ना किसे तुहाडा भी हाल है तुहाडा भी हाल है नुकसान मेरे वजू दे अंदर है सी तुहाडे अंदर नहीं सी पर सदके जावां वड्डे उच्चे खानदान दे लगदे हो वो जिन्ना एडे आला तरीके नाल मेनू वजू करन दा मल सिखा छड्या है तवज्जो है जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह एडे वड्डे बच्चे ने छोटे जे बच्चे ने रब ने कैसी समझ नसीब फरमाई कैसी अकल कैसा दिमाग अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसा अदब कैसा हया और कैसा दीनदारी नसीब फरमाई है और जिन्ना ते निगाह मदनी ताजदार दी होवे ओ जिन्ना नु मोढ़िया ते चढ़ के ओए जिन्ना मदीने दे ताजदार ने खिलाया होवे ते अपनी जुबान चुसाई होवे उना दा किरदार आला ना होवे ते होर क्या हाय हाय बस आखरी गल करना ते गल मुकाना हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सरकार नु एक बार ने कई मर्तबा जहर दिता है कई मर्तबा जहर दिता गया आखिर जो आखरी मर्तबा जहर दिता गया ना आखरी मर्तबा जहर पानी दा घोट अंदर गया है कलेजा टुकड़े टुकड़े होके बाहर आया कलेजा टूटे टूटे होके बाहर आया ऐसे मौके दो ते खानदान भी बेसबरा हो जाता है ते इंसान खुद भी बेसबरा हो अंदर मियां यार जी मुंह च अगर गाली निकल गई है तो औखे वेले यार निकल ही जाती है यार बचांदी की इस हद तक के बंदा 60 साल दा हो जावे ना 60 साल दा हो जावे हदीस पाक के च आया है कि उंदे मोटे मोटे अमल लिखे जांदे ने छोटियां छोटियां गल्लां रा फरमांदा छोड़ दो क्यों उन जिस्म च जोर नहीं रहा ताकत नहीं रही पठिया में मजबूती नहीं रही हम इनके को आधे आप पूरी तरह संभालिया नहीं जाना सबर नहीं किया जाना पूरी तरह झटपट बेसबरा हो जाएगा लिहाजा ये है छोटी मोटी गल ना लिखो वड़िया वड़िया ते मोटिया मोटिया गल्ला है वो लिखो रब भी इन रियायत फरमाए ते जिथे ये हाल हो कलेजा अंदर दिल टुकड़े टुकड़े हो के मुंह वाले पासों बाहर आ हजरत इमाम हुसैन पता लग गया है ना फौरन दौड़ के आए ने
अपना मुंह शरीफ कान उते रखे आख्या वीरा अगे भी तेनों जहर दिता गया ते अज तेरा ये हाल बनया है मेरे वास्ते काबिले बर्दाश्त नहीं है दस ते सही तेने जहर किन्ने दिता है उस मौके उते वेख बड़े दा किरदार कितना वड्डा ते कितना अजीम हुंदा है ते पुछया गया हुजूर दसो ते सही जनाब रन जहर किन्ने दित्ता है आपने फरमाया अगर मैं दसांगा सा की करोगे सजा देंगे आपने फरमाया हो सकदा है जो मैं समझया होवे ओ ना होए ते मैं ना लै बैठा कल नु तुसा ओनु हल्की निगाह नाल वेखो मैं किसे बेकसूर दे बारे गवारा नहीं करदा कि ओनु नीवी नजर नाल वेख्या जाए मेरा जिगर टुकड़े टुकड़े होवे मैनु ए ते गवारा है पर हजूर दी उम्मत दे किसे फर्द ते किसे इंसान दी इज्जत नफ्स मजरूह होवे मेरी वजह नाल मैनु ए गवारा है मर्दे वेले भी दुनिया तो जाते वेले भी जिगर टुकड़े टुकड़े हो रहा वे तकलीफ दी इतनी शिद्दत दे वेले भी हजूर दी उम्मत दा इना ख्याल रखना इस खानदान दे कम हो सकदा ये हजूर दे शहजादे दे कम हो सकदा किसी आम इंसान दा कम नहीं हो सकदा मेरी गल समझ आई है ये नहीं है तो इस हाल दे अंदर आपदा विशाल शरीफ होया वो इस सिलसिले दे अंदर से महफिल शरीफ दा इत्तमाम कीता सी अल्लाह तआला दी बारगाह दे अंदर दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन साडी इस मेहनत नु कबूल मंजूर फरमावे यार जिंदा सोहबत बाकी व आखिर दावा यानी अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।